गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल दोस्तों। ये रोलैंड का E09 कीबोर्ड है, ये देख रहे हैं आप। और E09 कीबोर्ड में दिनेश वर्मा जी, जो अंधेरी मुंबई से हैं, उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि सर इसमें कितने बैंक हम लोग बना सकते हैं। तो आइए मैं आपको इसका सारा रिव्यू दे देता हूँ। पहले सबसे पहले कीबोर्ड को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, अब कीबोर्ड जब स्टार्ट होता है तो हमारी जो डिफ़ॉल्ट टोन है, जो कीबोर्ड के अंदर जो इनबिल्ट टोन आती है, वो टोन इस तरीके से स्टार्ट ही आपका हो जाता है। जैसे स्ट्रिंग पियानो 1 आप देख रहे हैं, 001 का। तो दोस्तों अब इसके अंदर हम लोग पैच और परफॉर्मेंस किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो इधर वाला सेक्शन तो आप जानते ही हैं कि ये सारा सेक्शन इधर इंट्रो और ये नीचे वाला, ये आप देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट रिदम के लिए है ये सारा। आप कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं तो यहाँ से होगा सिंक स्टार्ट, यहाँ से इंट्रो, ओरिजिनल, फिल और वेरिएशन वगैरह अगर आपको देने तो आप यहाँ से इसको दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पियानो मोड पर रखना है आपको या अरेंजर मोड पर रखना है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। अरेंजर और कीबोर्ड दोनों का बैलेंस का ये स्विचेस दे रखे हैं, और ये मेन वॉल्यूम हो गया आपका। डायरेक्ट अगर आपको टेम्पो बजाना तो यहाँ पर आप टैप कर सकते हैं, और इधर ये स्टाइल्स हैं अपना जो अदर कंट्रियों की हैं, लैटिन है, रॉक है, पॉप है, ट्रेड है, इस तरीके से वर्ल्ड वगैरह की बहुत सारी है। इसके अंदर रिदम कॉन्सेप्ट है, और इधर ये अपना मेट्रोनोम, और इधर ये बैंड ऑर्केस्ट्रा। ये अगर आपको किस कॉम्बो पर रखना है, आपको ड्रम एंड बेस पर रखना है या फुल बैंड पर रखना है वो। और इधर ये कीबोर्ड का मोड है कि आप उसको पियानो पर रखते हैं या अरेंजर पर रखते हैं, ठीक है। तो इधर तो बहुत ज़्यादा विशेष कुछ है नहीं, क्योंकि जिस समय लाइव प्रोग्राम होता है तो उस समय बहुत कम इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपको वेरिएशन वगैरह और ये सारी चीज़ें इंट्रोफिल वगैरह करना आता है तो आप कर सकते हैं उसको बहुत अच्छे से, फिर आपको बहुत ही अच्छा एक फील आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम इधर की, ठीक है। तो इधर में आप देखते हैं ये जैसे ये म्यूजिक असिस्टेंट स्टाइल, वन टच पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो टोन आपने सेव कर रखी है वो आपकी वन टच पे आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने सेव नहीं की हुई है इस पर कोई टोन। टोन मोड ये देख रहे हैं आप, टोन, ठीक है। अब ये टोन पे क्या होगा कि टोन पे जो इनबिल्ट टोन है, जैसे ये आप देख रहे हैं पियानो भी है, अगर मैं सेकंड दबाऊंगा तो ये ऑर्गन स्टार्ट हो गया, अगर मैं थर्ड को प्रेस करूंगा तो ये नायलॉन गिटार, यानी ये गिटार का सेक्शन है, गिटार बेस का सेक्शन है, ये पियानो का सेक्शन है, ये ऑर्गन का सेक्शन है, स्ट्रिंग का सेक्शन है, वोकल का सेक्शन है, ब्रास सैक्सोफोन का है, ये सिंथ का है, वर्ल्ड 1 और वर्ल्ड 2 एंड ड्रम का, ठीक है। इस तरीके से सेक्शन दे रखे हैं दोस्तों, और इन सेक्शन के अंदर आप देखेंगे तो जैसे इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कितना इसके अंदर टोन है। वन के अंदर ये देख रहे हैं, इसके अंदर 26 इसके अंदर टोन है, और 27 से 109 तक ये इसमें दूसरा सेक्शन है। इस तरीके से सारे सेक्शन अलग अलग हैं, ठीक है। तो हम जो भी यूजर टोन क्रिएट करते हैं उस यूजर टोन को हमें क्या करना होता है कि हमें ये देख रहे हैं आप यूजर परफॉर्मेंस, हमारा जो सारा जो डेटा है वो इसमें सेव होता है। जो भी हम टोन क्रिएट करते हैं, जो भी हम टोन बनाते हैं वो इसके अंदर सेव होती है हमारी। जैसे अभी क्या है, अभी ये हमारा टोन मोड पर है, ठीक है। तो टोन मोड पर तो ये केवल जो इसकी इनबिल्ट टोन है उनको दिखा रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर हम इन्हें प्रेस करेंगे तो ये हमारी वही टोन बजेंगे जो ड्राई टोन है हमारी, और यहाँ से टच है तो मैं ऑफ कर देता हूँ।
वर्ल्ड में, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये कई सारे देशों की जो वर्ल्ड के अंदर टोन है वो कई सारे देशों के, ये सितार है, ठीक है, सितार, सरोद, इरहु, ये शहनाई, थ्री, वोंगंग, इस तरीके से ये कई सारे देशों की दोस्तों टोन है इसमें। ये देख रहे हैं आप, हुलासी वगैरह, शोना, ये सब शोना और ये सब बाहर की टोन है। तो जैसे ये कोटो हो गई, जैसे ये देख रहे हैं बैग पाइपर, ये अपने इंडियन टोन है। तो इस तरीके से ये मिक्सअप देते हैं कई सारे देशों का। तो वर्ल्ड के अंदर आपका ये सब हो जाएगा। और वर्ल्ड टू में देखिए, जैसे स्टील ड्रम है, वर्ल्ड टू के अंदर ये स्टील ड्रम इस तरीके की टोन है, ठीक है। ड्रम के अंदर क्या है, जो आपके ड्रम परक्यूशंस हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें तो केवल यूज़र अपना देखना है कि यूज़र में हम कितने टोन सेव कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। अब सबसे पहले हम यूज़र को प्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यूज़र प्रेस किया, ठीक है, मैंने न्यूमेरिक अपना ऑन किया है, इसलिए इस वाले अगर मैं बटन को दबाता हूँ तो ये इसकी कोई भी लाइट नहीं जलेगी। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये देखिए, अब यूज़र 001 में मेरा सेक्सोफोन है। अगर आप इसको ऑफ करके यूज़र सेव करते हैं तो आपकी लाइट है ये जलेंगी, ठीक है। जैसे ये देखिए, ठीक है, तो इसका मैंने सेव नहीं किया है। अब जैसे यूज़र पर मैं आया, ठीक है, अगर मैं यूज़र को ऑफ कर दूंगा तो ये देखिए सेक्सोफोन वाली, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने 22 पर ये सेव कर रखी है। अब ये स्ट्रिंग, क्योंकि इस सेक्शन का है तो इस सेक्शन में ही आएगा ये। वो देख रहे हैं यूज़र U22, यानी यूज़र या यूज़र बैंक, ये यूज़र प्रोग्राम जो हमारे हैं इसके अंदर हमारी ये सेव हैं टोन। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने यूज़र ये हमारे सेव हो जाएंगे। और हम इसके अंदर कितनी दोस्तों टोन सेव कर सकते हैं, अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। कि मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, 0, ठीक है, ये हमारा 0 बैंक, ये 00 पे मैंने दोस्तों इसको सेक्सोफोन को मैंने इसके अंदर सेव किया हुआ है। अब देखिए, अगर मैं 11 दबाता हूँ, अकॉर्डियन मैंने सेव की हुई है, 22 दबाता हूँ, स्ट्रिंग मैंने सेव की हुई है, 33 प्रेस करता हूँ तो सिंथ मैंने, 44 पर ट्रम्पेट है, 55 पर हारमोनियम है, 66 पर बेंजो है, 77 पर ओबे है, 88 पर फ्लूट है, 99 पर ब्रास है, ठीक है। तो 0 से और पूरा 9 तक, यानी 10 टोन तो हमारी वन सेक्शन में आ गई, ठीक है, यानी ऑन बोर्ड है हमारी 10 टोन। अब हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है, जैसे 0 मैंने किया, अगर सपोज करिए मुझे 1 पर जाना है तो मैं क्या काम करूँगा, मुझे 0 एक नंबर की टोन पर जाना है, तो एक तो ऑप्शन मेरे सामने ये है कि जैसे यहाँ 00 है तो मैं इसको सेलेक्ट को प्रेस करूँगा, 01, ठीक है, तो इसमें मेरा कॉर्ड गिटार आ गया, ठीक है। अब जैसे मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, 02 पे मेरा सितार है, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट करूँगा, अकॉर्डियन मेरी दूसरी आ जाएगी, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि हम सेलेक्ट के थ्रू हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारी पूरी 100 टोन तक ये कंप्लीट हो जाएंगी। दूसरा तरीका दोस्तों इसका ये है कि जैसे ये 00, ठीक है, इसको देख लीजिए आप। अब हमें क्या काम करना है कि जैसे मुझे 01 टोन पर जाना है तो हम 01 प्रेस कर देंगे दोनों को एक एक बार, तो हमारा वही टोन आ जाएगा। जैसे अब मुझे, जैसे मान लीजिए 14 नंबर की टोन देखनी है कि 14 नंबर पर क्या है मेरे, तो 1 4, 14 नंबर पर स्ट्रिंग 3 है मेरी, ठीक है। जैसे
21 नंबर पे मुझे देखना है, तो 2 1 वाइब्राफोन की टोन, ठीक है, इस तरीके से आप इन सभी टोन को एक से 0 से लेके और 100 तक, यानी 100 आप टोन इसके अंदर सेव कर सकते हैं। और 100 टोन में दोस्तों, क्योंकि अगर आप जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं या लाइव शो भी प्ले करते हैं आप, तो 10 टोन सफिशेंट होती हैं। मेन मेन टोन जैसे आपका स्ट्रिंग हो गई, फ्लूट हो गया, वेंजो हो गया, सेक्सोफोन हो गया, ट्रम्पिट हो गई, हारमोनियम हो गया, इस तरीके की अकॉर्डियन हो गई, बहुत सारी सिंथ लीड हो गई, इस तरीके की बहुत सारी टोन हम एक बार में सेव कर सकते हैं। और उससे ही हमारा काम चल जाता है। अगर उससे भी हमारा काम नहीं चलता तो हम उन्हें क्रम से सेव करते जाएं, क्रम से हम उनको सेव कर लेंगे और इस तरीके से हम अपना पूरा कंप्लीट परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी उस पर। जैसे ये यूज़र, अब ये देखिए 22 पर वो आ गई स्टिंग मेरी, ये मेरा खाली है, ठीक है, ये खाली है मेरा। ये देखिए 19 ट्रम्पिट, ये दूसरा ट्रम्पिट है, ठीक है, 18 मेरा खाली है, 14 नंबर पर मेरा टोन है, 12, 11 नंबर पर टोन है मेरे, 09, 07 मेरा सेंथ है दूसरा, 2T, 06 पर है मेरी। इस तरीके से मैंने इसको सेव किया हुआ है। तो आपको जो भी टोन उस समय आपको प्ले करनी है तो आप ऑन बोर्ड उसको सेव कर सकते हैं। यूज़र को प्रेस करें प्लस यस, जो टेम्पो के नीचे देख रहे हैं आप, यस यूज़र प्रेस, एक उंगली से उसको प्रेस करके रखें और दूसरे से यस कर दें उस टोन को, जिस भी नंबर पे आपको सेव करनी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पूरे 100 टोन आप अपने कीबोर्ड के अंदर प्ले कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा एक बार ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।